इवन फ्रेंड्स नीट 2023 की जो काउंसलिंग है, बच्चों काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपके लिए कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे रेडी करनी है। देन उसके बाद व्हाट्सएप पर बहुत बच्चों ने मेरे को ये मैसेज किए कि सर नीट 2023 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा, क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं आया नीट 2023 की काउंसलिंग को लेकर के। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नीट 2023 की काउंसलिंग, देखो मैं लास्ट 4 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूं आपको, और मैं ये देखता आया हूं कि नीट 2023 की जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है ऑल इंडिया कोटा 15% की, तो एनसीसी की वेबसाइट जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे 3-4 दिन पहले वो वेबसाइट बिल्कुल बंद कर दी जाती है। बिकॉज उस वेबसाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि वो ओल्ड वेबसाइट होती है 2022 की, तो उसको कन्वर्ट करके 2023 किया जाता है, उसमें पूरा एडिट नहीं किया जाता उसके टेम्पलेट्स वगैरह में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे को ये मैसेज कर रहे थे सर कि एप्लीकेशन की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो मैं बता दूं आई थिंक आज 3 जुलाई हो चुकी है आपकी जो काउंसलिंग है। आई थिंक उम्मीद है कि आप ऐसे मान के चलें कि 2-3 दिन बाद मुझे उम्मीद है कि एमसीसी कोई ना कोई नोटिफिकेशन दे देगा, और मैंने आपको एक डेडलाइन दे रखी है और पहले भी वीडियोस में कुछ बताया है कि आपकी जो काउंसलिंग है 10 जुलाई से पहले पहले उसका रजिस्ट्रेशन आई थिंक स्टार्ट हो जाए, या 10 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनाने हैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है लाइक कास्ट, इनकम, डोमिसाइल, ठीक है, और जो भी बनते हैं आपके गैप सर्टिफिकेट वगैरह, तो उनको बनवा लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि स्टूडेंट देखिएगा बहुत बच्चे मेरे से पेड काउंसलिंग भी ले चुके हैं। अगर आप भी पेड काउंसलिंग चाहते हैं, जिसके लिए मैंने, आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, रेडी करके मैं आपको दूंगा, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ऑल इंडिया कोटा की जो है काउंसलिंग, स्टेट की काउंसलिंग, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मैं आपको दूंगा। साथ ही देखो सबसे बड़ा खेल यहाँ पर हमारा ये है कि प्रेफरेंस लिस्ट, अगर हमारी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी बन जाती है तो कम मार्क्स अगर आपके थोड़े बहुत बॉर्डर लाइन पर होते तब भी हमको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो सबसे मेन बात है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सही से बन जाना, चॉइस फिलिंग सही से हो जाना, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चा मेरे से पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी पेड काउंसलिंग के लिए बहुत मिनिमम फीस है जो कि 1500 रुपये रखी गई है, ठीक है। बाकी फ्रेंड जो अपडेट आपके लिए आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नीट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी।